इस वीडियो में हमने बात करी कि टाइमिंग और स्टैमिना दोनों अलग अलग चीजें हैं। टाइमिंग इज ऑल अबाउट मेडिसिन या एक्सरसाइज, बट स्टैमिना इज समथिंग जो लॉन्ग टर्म में आता है, मेहनत से आता है। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को फिट रखना, मास्टरबेशन ना करना, वेट लॉस करना, टेस्टोस्टेरोन हाई रखना, किगल एक्सरसाइज करना, सप्लीमेंटेशन, जिम एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशन मीट करना और अपने पार्टनर का भी पूरे मन से और पूरे प्यार से ध्यान रखना। वाइफ या पार्टनर को खुश करना इज नॉट ओनली अबाउट सेक्स, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। कई आदमी इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते अपने रिलेशनशिप में, बिकॉज उनका सारा फोकस सिर्फ सेक्स पर रहता है। आप कितने भी अच्छा क्रिकेट खेल लें, कितनी भी अच्छी पारी खेल लें, कितना भी अच्छा मैच को जिता दे, पर अगर आप टीम प्लेयर नहीं है, आप अपने टीम के लिए नहीं खेल सकते, तो भी आप एक पुअर परफॉर्मेंस या पुअर प्लेयर कहलाएंगे। इसीलिए नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन टाइमिंग एंड स्टैमिना। तो मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो सेक्स टाइमिंग से परेशान है, सेक्स टाइमिंग ठीक भी हो जाती है, उसके बाद भी आके पूछते हैं कि सर टाइमिंग तो बेटर हो गई पर स्टैमिना नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि स्टैमिना टाइमिंग दोनों अलग अलग चीज है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्सुअल स्टैमिना, सेक्सुअल एंड्योरेंस मेहनत से आती है, उसमें कई चीजें हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइमिंग या सेक्सुअल टाइमिंग और सेक्सुअल स्टैमिना में क्या फर्क है और क्या वो पांच चीजें हैं जिसको करने से आप अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप जानते होंगे मैं डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता हूँ, नई दिल्ली में एक एंड्रोलॉजिस्ट या मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट, जो कि पुरुषों की सेक्स समस्याओं का प्रॉपरली साइंटिफिक इलाज करता हूँ। आप अगर इंडिया से हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली क्रिकेट देखते होंगे, मेरी तरह भी देखते होंगे, और क्रिकेट में आप जानते हैं कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे जिनका टाइमिंग बहुत अच्छा है। अगर बॉल बैट पे आ गई और टाइमिंग अच्छा है तो नॉर्मली सिक्स लगता है, रन भी बनते हैं, पर स्टैमिना बहुत पुअर है, एंड्योरेंस बहुत पुअर है, लॉन्ग पारी नहीं खेल पाते, शॉर्ट रन नहीं ले पाते, कार्डियक कैपेसिटी कम है। तो इवन दो पावर है, स्ट्रेंथ है, पर लॉन्ग इनिंग्स नहीं खेल पाते। और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनका टाइमिंग तो अच्छा है ही है, पर ऑलराउंडर के लिए लंबी पारी खेल पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं, जितना अच्छा पारी की स्टार्ट में खेलते हैं उतने अच्छा पारी के एंड में भी खेलते हैं, गेम को फिनिश करने की एक कैपेसिटी रखते हैं। तो यही फर्क है बिटवीन टाइमिंग एंड स्टैमिना। सेक्स टाइमिंग मतलब कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कि आप जब अपना एजैक्युलेशन या आप जब अपना डिस्चार्ज होना चाहो तभी डिस्चार्ज हो। तो टाइमिंग के अंदर किगल एक्सरसाइजेस, सेंसिटिविटी कम करना या आपका जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स है वो हम दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं, और कई पेशेंट्स में मेडिसिन से या सर्जरी से टाइमिंग बढ़ सकती है। पर स्टैमिना, स्टैमिना मतलब लंबा खेलना, स्टैमिना मतलब दो मिनट नहीं दो घंटे तक सेक्स करना, बार बार सेक्स करना, हार्डनेस रखना, स्टैमिना जो है वो किसी भी दवाई से नहीं आएगा। स्टैमिना बढ़ाने के लिए, एक लंबी पारी खेलने के लिए, अपने पार्टनर को फुल्ली सेटिस्फाई करने के लिए और खुद को भी फुल्ली सेटिस्फाई करने के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए आपको पांच चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो मोटा मोटा अगर स्टैमिना देखें तो स्टैमिना के अंदर या सेक्सुअल परफॉर्मेंस के अंदर पांच चीजें आती है। पार्ट वन, टाइमिंग। ऑब्वियसली अगर आपको स्टैमिना चाहिए तो टाइमिंग भी जरूरी है। अगर टेनिस योनि में डलते ही छूटता है या टच करते ही छूटता है तो ऑब्वियसली स्टैमिना नहीं आ सकता। तो टाइमिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ गुड स्टैमिना। और टाइमिंग बढ़ाने के तीन तरीके हैं, सेंसिटिविटी कम हो, मास्टरबेशन ना हो और किगल एक्सरसाइजेस, ताकि आप पेल्विस को अच्छे से होल्ड करें। पर मैं भी इन ट्रीटमेंट से आपका टाइमिंग 5 सेकेंड से 2 मिनट या 5 मिनट कर सकता हूँ। जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है आपकी कार्डियक कैपेसिटी, मतलब आप कितना रनिंग कर सकते हैं, आपका हार्ट कितना ब्लड पंप कर सकता है, आप कितनी विगरेसली या कितने स्पीड से परफॉर्म कर सकते हैं, कितनी अपनी पेल्विस को मूव कर सकते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी। सेकेंड होता है इरेक्शंस, कि आपका पेनिस कितना हार्ड रहता है। पेनिस में टाइमिंग है, पेनिस डिस्चार्ज नहीं करता, पर पेनिस में हार्डनेस नहीं है, पेनिस पूरी तरह तनता नहीं है, पेनिस में एक जो एक स्ट्रेंथ है अगर वो नहीं है तो भी आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस वीक रहेगी, आपकी जो एक स्टैमिना है उसमें कमी रहेगी। तो अगर आपका इरेक्शन पुअर है, इरेक्शन में कोई दिक्कत है किसी भी कारण से, विनोजेनिक है, ओवर मास्टरबेशन है, न्यूरोजेनिक है, आर्ट्रोजेनिक है, तो भी आपका स्टैमिना
पुअर रहेगा। तो तीन हो गए टाइमिंग, कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी, फिनाइल हार्डनेस। चौथा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बॉडी में या शरीर में इंटरकोर्स करने के लिए या सेक्स करने के लिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली मूव कर सकते हैं। आपकी बॉडी में पेट का जो मसल मास है, पेल्विस का जो मसल मास है, शोल्डर का जो मसल मास है, आप क्या अपनी पोजीशन होल्ड कर पाते हैं, क्या आप वुमन ऑन टॉप होल्ड कर पाते हैं, या आप लेडीज के ऊपर अपने आप को होल्ड कर पाते हैं, आप कितने अच्छे से पेल्विक थ्रस्ट कर पाते हैं, आप कितने अच्छे से अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं, ये सब भी आपकी सेक्सुअल स्टैमिना या सेक्सुअल इंजॉयमेंट या आपके पार्टनर की इंजॉयमेंट पे वर्क करता है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टैमिना का, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो है मेंटल हेल्थ। आप कितने भी ज्यादा हार्ड हो, कितने भी ज्यादा बड़े हो, कितना ज्यादा टाइमिंग हो, कितना भी ज्यादा आपके अंदर फुर्ती हो, कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी हो, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, मसल मूवमेंट हो, पर अगर आप मेंटली वीक है, अगर आप अपने पार्टनर को मेंटली हैप्पी नहीं कर सकते, उसको प्यार नहीं कर सकते, उसकी नीड को समझ सकते, आप गुस्सैल है, आप एंगर है, आप अपने पार्टनर के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करते, तो भी आपका स्टैमिना पुअर रहेगा। आप कितने भी अच्छा क्रिकेट खेल ले, कितनी भी अच्छी पारी खेल ले, कितना भी अच्छा मैच को जिता दे, पर अगर आप टीम प्लेयर नहीं है, आप अपने टीम के लिए नहीं खेल सकते, तो भी आप एक पुअर परफॉर्मेंस या पुअर प्लेयर कहलाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, कई पेशेंट आते हैं, सर मेरी बहुत सी टाइमिंग है, दो दो घंटे करता हूँ, पर स्टिल वाइफ इज नॉट हैप्पी। वाइफ या पार्टनर को खुश करना इज नॉट ओनली अबाउट सेक्स, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। कई मैन, कई आदमी इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते अपनी रिलेशनशिप में, बिकॉज उनका सारा फोकस सिर्फ सेक्स पे रहता है। सेक्स में इंटीमेसी भी है, सेक्स में रोमांस भी है, सेक्स में प्यार भी है, फोर प्ले भी है, अपने पार्टनर को रिलीज कराना भी है और अपने पार्टनर की नीड्स को समझना भी है। कई वुमेन या कई औरतों को ज़्यादा संतुष्टि मिलती है सेक्स के बाद हक करने से या सेक्स के बाद अपने पार्टनर से रोमांस करने में, जाकि जो एक्चुअल पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स है। तो अपने स्टैमिना को सिर्फ अपनी हार्डनेस और टाइमिंग से मत नापिए, अपने स्टैमिना को अपने पार्टनर को खुश करने की कैपेसिटी से भी नापिए। तो आज के वीडियो में थोड़ा सा ऑफ टॉपिक वीडियो था, पर इस वीडियो में हमने बात करी कि टाइमिंग और स्टैमिना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। टाइमिंग इज ऑल अबाउट मेडिसिन या एक्सरसाइज, बट स्टैमिना इज समथिंग जो लॉन्ग टर्म में आता है, मेहनत से आता है। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को फिट रखना, मास्टरबेशन ना करना, वेट लॉस करना, टेस्टोस्टेरोन हाई रखना, किगल एक्सरसाइज करना, सप्लीमेंटेशन, जिम एक्सरसाइज, सबसे इंपॉर्टेंट अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशन मीट करना और अपने पार्टनर का भी पूरे मन से और पूरे प्यार से ध्यान रखना। तो डॉक्टर, तो अगर आप मेरे चैनल के पुराने व्यूअर हैं और ये वीडियो आपको समझ में आई हो, तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आप नए बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जेन्युइन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, विमियो पे, वेबसाइट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हम अपना नया टेलीग्राम नंबर ऑन करेंगे, आने वाले वीडियोज में आपको दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, नमस्ते।